सब्सक्राइब कीजिए दैनिक इंडिया दर्पण चैनल को और बेल आइकन दबाइए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आईडी टीवी प्रेजेंट वयस्क भारतीयों के लिए पैन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक टैक्स डिपार्टमेंट 4 घंटे में पैन कार्ड उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को मद्देनजर रखते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 10 दिसंबर को आयोजित होनी है। भारत ने बिजनेस वीजा की अवधि 15 साल तक बढ़ाने तथा विदेशी नागरिकों के लिए आपात स्थिति में नियमित वीजा को मेडिकल श्रेणी में बदलने का फैसला किया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है और शहर के 6 इलाकों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति दर्ज की गई है। दिल्ली की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक के नेता टीटीवी दिनाकरण को 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह हासिल करने के वास्ते चुनाव आयोग के अधिकारियों को कथित रिश्वत देने के मामले में मंगलवार को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए ऑनलाइन लिंक बनाने में नाकाम रहने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 5 राज्यों पर जुर्माना लगाया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से दायर आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित 350 अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के शेल्टर होम में 9 लड़कियों के गायब होने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मामले में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नए साल के आगाज से पहले डीएमआर से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। 31 दिसंबर तक पिंक लाइन के इस कॉरिडोर पर परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अनुसार ही तैयारी चल रही है। ये है डीआईडी में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए।